गुजरात एटीएस ने जीएसटी विभाग के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में शनिवार को सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, भरूच और भावनगर जैसे जिलों में 150 स्थानों पर छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि इस ज्वाइंट ऑपरेशन में टैक्स चोरी और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से पैसे के लेन देन की जाँच की जा रही है। गुजरात में चुनाव पूर्व रिकॉर्ड नकदी बरामद। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने विधानसभा चुनावों के दौरान रिकॉर्ड राशि की बरामदगी करते हुए गुजरात में 78,88,00,000 रुपए की बरामदगी की है। सुरक्षा एजेंसियों ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया था और इसके तहत चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिनों के भीतर गुजरात में 78.88 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, जो 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए लागू आचार संहिता की पूरी अवधि के दौरान हुई 27.21 करोड़ रुपए की बरामदगी से कहीं ज्यादा है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंद्रा पोर्ट पर गलत घोषणा और आयात कागू में छिपाकर तस्करी किए जा रहे 64 करोड़ रुपए के खिलौने और सामान की बड़े पैमाने पर जब्ती की भी सूचना दी है। ईजी के मुताबिक मामले में मुख्य साजिशकर्ता सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होगा चुनाव। गुजरात में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले यह छापेमारी काफी अहम मानी जा रही है। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा। गुजरात में आमतौर पर सत्तारूढ़ भाजपा और उसकी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस पार्टी के बीच आमना सामना होता रहा है, लेकिन आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी आप चुनावी मैदान में एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार हैं। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है।